नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मुखिया जी मुसीबत में हैं। जी हां, आपने सही सुना, पंचायत में जिस व्यक्ति के ऊपर पंचायत के विकास का भार दिया गया है वो मुखिया जी आज मुसीबत में हैं। मुसीबत ऐसी कि वे हड़ताल पर हैं। बीते 16 अगस्त से 31 अगस्त तक उनका पंचायत में काम रोको हड़ताल चल रहा है। आरोप है कि बिहार सरकार उनके अधिकार में कटौती कर रही है और उसी हड़ताल के क्रम में मुखिया महासंघ के आह्वान पर यह काम रोको हड़ताल किया जा रहा है और यह हड़ताल अब धरना प्रदर्शन में प्रदर्शित भी हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं आज कि झंझारपुर प्रखंड मुखिया महासंघ पूजा मिश्रा के अध्यक्षता में किस प्रकार मुखिया जी यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे बहुत है, 19 सूत्री मांग पत्र उन्होंने प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से मुखिया के अधिकार में सरकार द्वारा कटौती किए जाने का आक्रोश साफ झलक रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रावधान के अनुसार जो मुखिया को पंचायत के विकास के लिए 29 प्रकार की कार्य दी गई है, जवाबदेही दी गई है, उस जवाबदेही में सरकार कटौती न करे। मुखिया फ्री होके काम करेगा तभी पंचायत का वास्तविक विकास कर सकता है। उन्होंने नल जल योजना पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जब से PHED के पास यह योजना गई है लोगों को जलापूर्ति ठीक से नहीं हो रही है। वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास ही नल जल योजना की आपूर्ति की जवाबदेही की मांग सहित 19 सूत्री मांग पत्र है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके लिए भी यह थोड़ा सा अजब का सा दृश्य लगेगा कि पंचायत के सभी मुखिया बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और पूरी तरह आंदोलनरत हैं और बिगुल फूंक दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मुखिया महासंघ के अध्यक्ष पूजा मिश्रा से मैं आपको मिलवाता हूं ताकि उनकी जुबान से मैं आपको यह दिखा सकूं कि किस प्रकार कौन सी मुसीबत है और ये हड़ताल क्यों की जा रही है। आज प्रखंड पर धरना हो रहा है, आप मुखिया महासंघ के जी क्या है धरना का कार्यक्रम, बताइए क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? ग्राम पंचायत के अधिकारों में जो कटौती है उसके खिलाफ हमने ये धरना किया, जिसमें हमारी 19 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में ब्रेटा असफल हो चुकी है। हम चाहते हैं यह अधिकार फिर से ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र को बनाने का अधिकार पुनः ग्राम पंचायत को सौंपा जाए और मुखिया को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार उनके मांग पर आर्म्स का पंचायतों में बंद पड़े कबीर अंत्येष्टि योजना को ग्राम पंचायतों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गति प्रदान किया जाए की रक्षा हेतु पारित निर्णयों का अनुपालन ग्राम सभा से चयनित योजनाओं और सरकार द्वारा अनावश्यक प्रधानमंत्री आवास योजना में नए जोड़ने हेतु मनरेगा में ग्राम पंचायत को प्रशासन राज विभाग की तरह 20 लाख तक किया जाए तथा ग्राम पंचायतों को भुगतान का अधिकार दिया जाए। मनरेगा में NMM मजदूरों के हित में नहीं है। आज भी ग्राम पंचायतों में सही नेटवर्क नहीं आता है जिसके मजदूरों को सही समय पर भुगतान नहीं हो पाता। सरकार इसका निदान करे, मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाया जाए तथा बाजार दर के अनुसार किया जाए तथा समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। 15वीं वित्त भागीदारी सुनिश्चित कराए। अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए गए मुखिया के परिजनों को सरकार 50 लाख तक मुआवजा दे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अविलंब सजा दिलवाया जाए। ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मियों के वेतन विवरणी उपस्थिति पंजी मुखिया के हस्ताक्षर के बाद ही इसका सख्ती से अनुपालन किया जाए। लखनऊ में भी है, अन्य प्रखंडों में भी है। मेरी टीम झंझारपुर और लखनऊ गई थी, दोनों जगहों पर इस हड़ताल के धरने प्रदर्शन को देखा है। दोनों जगहों पर इसका मेमोरेंडम सरकार को दिया गया, सरकार को प्रशासन को सौंपा गया है। प्रशासन में एक ही मांग है, कुल मिलाकर के 19 सूत्री मांग है जो मुखिया महासंघ के द्वारा झंझारपुर प्रखंड में और लखनऊ प्रखंड में अपने अपने BPRO को सौंपा गया है। अन्य प्रखंडों में भी, झंझारपुर के अन्य प्रखंडों में भी यह हड़ताल हुआ है। पूरे मधुबनी जिला में
मुखिया जी एक दिन के हड़ताल पर थे, लगातार 31 तारीख तक यह हड़ताल जारी रहेगा। अन्य अपडेट भी मैं आपको देता रहूंगा और मैं कामना करता हूं कि मुखिया जी की बातें सरकार मांगे ताकि पंचायत का विकास हो सके। पंचायत एक ऐसा सिरी है जहां से बिहार के विकास की गाथा लिखी जाती है। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। धन्यवाद।